प्लीज लव यू टाइगर भाई। बस बस यहाँ पे डायरेक्शन की पूरी बैंड बज गई है एंड इट्स अ काइंड ऑफ रेस 3 का सीक्वेंस। कितनी अच्छी लगी आपको बागी 3 पहले से जाने से? टाइगर बागी 3 मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि इतनी अच्छी लगी, पर मेरे लिए उसके लिए कोई वर्डिंग ही नहीं है क्योंकि मैं टाइगर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके घर के बाहर मैं 3-3, 4-4 दिन तक बैठा रहता हूँ, बहुत मिलने की कोशिश भी की है। आखिर फिर 1 साल के स्ट्रगल के बाद अब उनके साथ भी काम भी करने को मिला है। मैं फिल्म शूटिंग लाइन में भी काम करता हूँ उनके साथ में, बहुत अच्छा हुआ है। वो बागी मूवी के बारे में बात करें तो इतनी सुपर डुपर हिट होनी ऑफकोर्स होगी क्योंकि उनके साथ ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी अच्छी है। सो मैं कुछ बोल नहीं सकता, प्लीज लव यू टाइगर भाई। बस बस ओके टाइगर की एक्शन कितनी है? पूरा एक्शन बेस्ड मूवी है ये। अगर टाइगर है मूवी में तो एक्शन तो पूछो मत, स्टोरी से ज़्यादा एक्शन उनका होता ही होता है। बहुत अच्छा सॉलिड था उनका। ओके श्रद्धा और टाइगर की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी थी केमिस्ट्री, मतलब उनकी उनकी रियल लाइफ और केमिस्ट्री पूरी सेम ही है, नो डिफिकल्ट, नो डिफरेंट। ओके श्रद्धा भी अलग अंदाज में दिखी है, गाली वाली भी दे रही है। हाँ बहुत, उनका तो बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है स्टोरी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत क्यूट भी लगती है वो, शायद अच्छी लगती है मूवी में, बहुत अच्छा काम। दिशा का भी आइटम नंबर है कितना पसंद आया? उसके लिए वो थोड़ा अफकोर्स है क्योंकि बागी 2 में उनका था, इसमें थोड़ा छोटा कंसेप्ट है बट उन्होंने भी जान डाली है तो अच्छा है। कि गाने सारे रिक्रिएट हुए, कितने पसंद आए आपको? मेरे को तो सभी, मतलब टाइगर के लिए तो कुछ भी छोटा सा 2-1 सेकंड का वीडियो या 2 मिनट का सॉन्ग, मुझे टाइगर के लिए तो मतलब पैसा फुल वसूल है, डबल पैसा वसूल है। और बस मैं कुछ बोल नहीं रहा। आउट ऑफ 5 कितना देना है? 5.10। थैंक यू भाई। रोल थैंक यू, इतना तो अच्छा डाल। पहले तो जानना चाहेंगे कितनी अच्छी लगी, कितना जस्टिस किया बागी 3 ने बागी 1 और बागी 2। जस्टिस की बात की जाए तो यार सबसे पहली बात तो ये मूवी ही पूरी की पूरी कॉपी है, इनका पूरा फ्रेंचाइजी ही कॉपी पे चल रहा है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बागी 2 के बाद में, क्योंकि बागी 2 में जिस तरह से उनका देखा गया ना काम, उसको देखने के बाद मन में हुआ यार कि चलो ये रीमेक है तो क्या हुआ, जाके देखना है क्योंकि टाइगर श्रॉफ है, उनकी हर मूवी कॉपी देती है। जस्टिस की अगर बात की जाए यार यहाँ पे डायरेक्शन की पूरी बैंड बज गई है एंड इट्स अ काइंड ऑफ रेस 3 का सीक्वेंस, ठीक है। पूरी बैंड बजाया, बहुत अच्छे से बजाया, कहते हैं ना नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, बहुत गंदा नकल किया यार, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम, डायलॉग बाय डायलॉग, हर एक सीन को सेम टू सेम छाप दिया है। मतलब किस तरह से बना रहे यार, बॉलीवुड का नाम यार छापोवुड रख दो सबसे बेटर रहेगा। हाँ देखने के बाद तो यही लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है खजूर हमें घर पे जाके खाना पड़ेगा। फिल्म की मेन स्टोरी जो है खजूर से शुरू होती है, ठीक है। अब ऐसा लगता है इतना दिमाग हिल गया है ना, थोड़ा एनर्जी के लिए खजूर जाके खाना पड़ेगा। ओके टाइगर की मुझे पता है इस सारी चीज़ों को सुनने के बाद में इनके चैनल के नीचे में कमेंट सेक्शन पे भर भर के गाली आएगी कि वो काला जैकेट वाला जो बनता है ना, इसकी माँ का, इसकी बहन का, जो भी बोलना बोलो। वैसे भी श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ दिया है तो इस बार कोड वर्ड में देना, काफ़ी मज़ा आएगा। टाइगर की एक्शन मतलब अच्छी लगी है? टाइगर की एक्शन की अगर बात की जाए इट वाज अमेजिंग। और रही बात अभी मुझसे सबको ही पूछ रहे लॉजिक लॉजिक लॉजिक, देखो भाई ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में लॉजिकलेस मूवी आनी शुरू हो चुकी है। और लॉजिकलेस इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं किसी हीरो का नहीं, मैं डायरेक्टर का फैन होता हूँ, क्योंकि उनका जो कैमरे से देखने का नज़रिया होता है ना वो बहुत अलग होता है। रोहित शेट्टी का बहुत अलग है, वो मुँह पे बोलते हैं यार कि लॉजिक घर पे रख के आना और सिर्फ आके मूवी को एंजॉय करना, तो बस वो भी लॉजिकलेस मूवी बना रहे हैं, उसमें भी कोई मतलब साइंस का लेना देना ही नहीं है। मतलब उसमें फिजिक्स क्या है, आइजैक न्यूटन का कुछ फॉर्मूला, मतलब ग्रेविटी का मायने है या नहीं, ऐसा नहीं रहता उनके इसमें भी। लेकिन यार मूवी देखने में मज़ा आ जाता है, हम वो 1-2 घंटे के लिए भूल जाते हैं कि यार मूवी में कहाँ पे गलतियाँ थी। यहाँ पे यार गलतियों पे गलतियाँ दिखाए जा रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, सीरिया के अंदर में साला 2G नेट नहीं चलता, यहाँ पे 4G और 5G के ऊपर में दिखा रहे हैं कि अल्ट्रा HD पे जो है भाई साहब का वीडियो कॉलिंग चल रहा है। कौन सा नेट यूज़ किया था भाई साहब, मुझे भी बता दो। हाँ हमारे इंडिया में नहीं चल रहा है, इतना क्लैरिटी, बार बार बफर होता है। आई होप कि आप ये वीडियो देखोगे तो ये भी एक बार बफर होगा, अब फिर से तब तक टाइम पास करने के लिए पीछे लेकर के जाओगे। भाई सीरिया में चल रहा है जहाँ पे मतलब नेट आधा आधा दिन बंद रखते हैं, उसके अंदर में भी चल रहा है। सही है भाई, एकदम सही था। के गाने काफी रिक्रिएट किए तो रिक्रिएट गाने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना लिरिक्स लिखने वाले, स्टोरी लिखने वाले, डायरेक्शन करने वाले लोग सब खत्म हो चुके हैं। किसी के क्या डायरेक्शन में कुछ नयापन नहीं है, डायरेक्शन में सीन्स को देखोगे हॉलीवुड से उठा लेंगे या फिर साउथ से।
मैं कह रहा हूँ यार, साउथ में ना छोटे छोटे बजट पे फिल्म बनती है और उस पर इतना अच्छा स्टोरी लेकर के आते हैं, इतना अच्छा डायरेक्शन ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक तक का भी जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे म्यूजिक की बात करो, स्टोरी की बात करो, यार 10 बहाने जो है, 10 मूवी वॉज फ्लॉप, ठीक है, और 10 बहाने जो गाना था वो हिट थी क्योंकि उस टाइम के लिए बहुत हाईफाई गाना था। अभी उसी को 2.0 लेकर के आ गए, मतलब हर किसी के आगे 2.0 लगा दो, कल को सुनेंगे यार टाइगर श्रॉफ 2.0 आया है। वैसे इस मूवी में है सुशांत सिंह 2.0 सस्ता वाला है, आप देखना प्लीज़, जा कर के देखना, और वो पीछे तो देखो काफ़ी अच्छा लगेगा। दिशा का आइटम नंबर है, मतलब उन्होंने फुल जस्टिस, देखो दिशा को जब देखोगे पर्दे के ऊपर में तो उनको देख करके और जब टाइगर श्रॉफ का लुक को देख करके एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि दिशा पटानी में मलंग में जो पलंग तोड़ काम किया है उससे वो काफ़ी नाराज रहे, मतलब एक लुक भी नहीं दिया है यार। और उसके बाद से जो चल रहा था ना, इट वॉज वल्गर मैन, मतलब आप कपड़े कम कर देने से ना गाने में जान नहीं आती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब उस गाने को देखोगे ना, उसका लिरिक्स का 2 लाइन सुना देना मुझे कि हाँ गाने के अंदर में ये 2 लाइन इस तरह से बोला गया है, सिर्फ अपना बीट था और उसके साथ में ना बस वही नंगा बंदा यार। कुछ तो यार क्रिएटिव देखा यार, मतलब क्या सोच के रखा है ऑडियंस को, मतलब 150-200 रुपया लगा करके आएंगे, कॉपी देखेंगे और वही रीमेक पे रीमेक देखते रहेंगे। दिशा पटानी को एक्टिंग करना चाहिए पर आइटम गर्ल बन करके रह गई है, पता नहीं यार शायद रिलेशन में प्रॉब्लम है, इस वजह से इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। ओके, आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है, मैं इस मूवी को हेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही टाइगर श्रॉफ को हेट करता हूँ, टाइगर श्रॉफ के फिजिक्स को देखने के लिए आता हूँ कि बॉस उनकी जो मतलब फिजिक्स रहते हो, जिस तरह का स्टंट रहता है, मालूम है बार बार रिपीट रहता है लेकिन देखने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे कहेंगे तो सलमान खान का भी ऐसा और शाहरुख खान का भी ऐसा, वो बार बार रिपीट ही होता है लेकिन देखने का मज़ा अलग होता है। तो मूवी काफ़ी अच्छी है, एक्शन के वाइज देखोगे ना तो एक्शन के जहाँ जहाँ पे सीन है भले से वो कॉपी हो लेकिन अच्छा लगेगा टाइगर श्रॉफ की वैसे। लेकिन अगर रेटिंग की बात की जाए ओवरऑल मूवी की, 2.5-3 काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा मत मांगो, खत्म कहानी, एक बार देखने लायक है, अगर फ्री बैठे हो तो आ जाओ देखने के लिए, देख लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे कितनी अच्छी आप लोगों को लगी है बागी 3? थोड़ा पैसा वसूल है, पैसा वसूल मूवी है, पैसा वसूल, इसमें काफी एक्शन वगैरह है, कितनी बहुत अच्छा लगा एक्शन, एक्शन है बहुत, इस बार बहुत मजा आया एक्शन देखने में, अच्छी लगी आप लोगों को बागी 3? बहुत अच्छी थी, पूरा पैसा वसूल है, एक्शन बहुत ही जबरदस्त दी है मूवी में, और गाने भी दो बहुत अच्छे दिए, जो लास्ट का एंडिंग सॉन्ग था और जो स्टार्टिंग में एक आंख मारू बहुत अच्छा लगा। टाइगर की एक्शन 100 out of 100, पूरा 100 out of 100 एक्शन, एक्शन में उनको कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको कितनी अच्छी लगी? अच्छी मूवी लगी एक्चुअली, पार्ट 1 पार्ट 2 से ज्यादा बेटर पार्ट, ये बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी, जो अपने एक भाई के लिए मतलब पूरी कंट्री की वाट लगा देता है, तो वी शुड ऑल्सो बागी। ओके, श्रद्धा मतलब एकदम अलग ही अंदाज में लिखी, गाली वाली भी देते हुए आई गेस, हाँ की गाली तो बहुत ही मेरे भी दिमाग के ऊपर से गई, नहीं समझ में आई बट ऑसम था। हाँ, okay, गाली। इसमें दिशा का भी आइटम नंबर है, कितना पसंद आया? दिशा पटनानी ना ऑसम था, उनका भी डांस मतलब लाइक उनका होता ना आइटम सॉन्ग था ना, बट मुझे ओके लगा, लाइक ओके था, ठीक था उनका, ठीक था। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे कितना मूवी ने जस्टिस की है बागी 3? सॉरी, कितना पसंद आई आपको? पसंद, एक्शन के लिए बहुत अच्छा लगा और रितेश देशमुख का काम बहुत बढ़िया लगा और श्रद्धा का जो कॉमेडी थोड़ा बहुत है वो बहुत मजा आया, हंसी बहुत आया। और सेकंड हाफ में जो इतना इतना बड़ा सीन बनाया, पैसे तो बहुत खर्चे होंगे लेकिन पैसा मतलब वसूल नहीं हुआ, ना डायरेक्टर को मतलब ना हमको। ओके, टाइगर की एक्शन कितनी पसंद आई आपको? एक्शन तो मतलब उसको कहना नहीं पड़ेगा, तो है ही एक्शन के लिए, बाकी कंट्री के लिए लड़ने अगर कोई जाता है उसका एक होता है, वह होता है, लेकिन ये जो मतलब हेलीकॉप्टर 3 लेके एक बंदे को खड़ा कर देता है, उसको एक गोली भी नहीं छूता है, क्या है यार, सोचना चाहिए ना डायरेक्टर को, डायरेक्ट एक इतना मैदान से शहर में आ जाता है, उसको चलो आता है, उसको दिखाना चाहिए, कुछ अलग तरीका होता है, बहुत सारे पिक्चर है दिखाता है पूरा कैमरा दिखाना चाहिए कि आ रहा है कैसे का, और डायरेक्ट बीएफएक्स ऐसा बना रहा है डायरेक्ट शहर में आके वो इतने तीन हेलीकॉप्टर को रख के पूरा ऊपर खड़ा है, फिर वो आके आराम से गोली मारते हैं, ये क्या है? ओके, दिशा का भी आइटम नंबर है, कितना पसंद आया? तो अच्छा है, ऐसा नहीं, अच्छे गाने काफ़ी रिक्रिएट हुए हैं इसके अंदर। हाँ, लास्ट में जो गाना है वो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाकी का गाना इतना अच्छा नहीं लगा, दोनों भाई का जो गाना है जो स्टोरी मेन है वो थोड़ा अच्छा लगा। क्या
आउट ऑफ 5 कितना रहना चाहिए? 3.5 थैंक यू वेलकम आ जाओ ओके पहले तो जानना चाहेंगे कितनी जस्टिस की है आज इस बार बागी 3 वो जो 1 और 2 जो बागी बने थे टाइगर श्रॉफ वो प्यार के लिए बने थे इस बार एक वादे के लिए बनते हैं अपने भाई दोनों भाइयों में जो प्यार है उसके लिए बनते हैं वो एक वादा को निभाने के लिए सरहदें पार कर जाते हैं वो इसलिए वो बागी बने हैं बहुत टची है टाइगर के एक्शंस काफ़ी हैं इसके अंदर कितने पसंद आए आपको पूरा का पूरा एक्शन थ्रिलरी मूवी है उसमें जो कहते हैं वो हाथ पैर से ज़्यादा बात करते हैं मुँह से कम वैसे ही है तो सारे हदें पार करते सरहदें पार करने के साथ साथ ये एक्शन की जितने भी हदें थे सारे पार कर दिए इनके बहुत अच्छा मतलब टाइगर एक्शन के किंग बनते जा रहे हैं किंग बनते जा रहे हैं आफ्टर ऋतिक रोशन इज द एक्शन किंग इसमें श्रद्धा की भी काफ़ी कॉमेडी और काफ़ी गाली सुनने मिली है कितना गाली जो था वो सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन बाकी जो भी गाना है गाली है वो सुनाई दे रहा है बहुत मज़ा आ रहा है लड़कियों के मुँह से गाली सुनना अच्छा लगता है तो जितने भी उन्होंने यूज किया लैंग्वेजेस बहुत मतलब क्यूट लग रहा है उनकी आवाज़ से बहुत क्यूट लग रहा है ओके दिशा का भी इसमें आइटम नंबर है कितना पसंद आई है दिशा उसमें हाँ टोटली सॉफ्ट मैं तो कोई गाना नहीं देखा था बस एक ही गाना था 10 बहाने करके ले गए दिल तो वो जो गाना होता है वो सीरिया में होता है तो देख के अचानक चौंक गए सब शायद मैं अचानक बहुत अच्छा गाना है वो क्लब में बहुत चलेगी वो गाना डांस नंबर है बहुत अगर एक खासियत तो बतानी होगी बागी 3 की तो वो क्या होगी बागी 3 में जो बागी बनते हैं हम तो सिर्फ प्यार के लिए नहीं तो इमोशनली जो अपने फैमिली के लिए दोस्त के लिए अपने बच्चे के लिए अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हमको बागी बनना पड़े तो हम बागी बनेंगे वो खासियत है वही है बहुत अच्छा स्टोरी है दोनों भाइयों के बीच की केमिस्ट्री है स्टोरी बहुत अच्छा स्टोरी इमोशनल स्टोरी क्योंकि काफ़ी गाने रिक्रिएट किए कितना जस्टिस किया है रिक्रिएशन करके इसमें एक गाना है जो दोनों भाइयों के बीच में तेरे जैसे यार कहा वो वाला गाना नहीं जो ये नया क्रिएशन है बहुत अच्छा है बहुत टची है बहुत इमोशनल गाना है बहुत अच्छा है 4.5 थैंक यू